गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। देहरा कांगड़ा सड़क पर दरकाटा के पास बीच सड़क पलटा ट्राला। राजगढ़ में निर्विरोध चुनी 33 में से 5 पंचायतें। पंचरुखी में 986 योद्धा चुनावी रण में। सीएम के जन्मदिवस पर मंडी में सेवा सप्ताह। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा मार्ग पर बगलामुखी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ट्राला फिसलकर पलट गया। ट्राला जीरकपुर से सामान लेकर नगरोटा बगवा की तरफ जा रहा था। हालांकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क की दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में बारिश के कारण सड़कों में कई जगह कीचड़ फैला हुआ है, जिस कारण उक्त हादसा पेश आया। पंचायत चुनाव के नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद राजगढ़ की 33 में से 5 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। चुनाव में अभी तक जिला सिरमौर में विकासखंड राजगढ़ ही अकेला था जहां से कोई भी पंचायत निर्विरोध नहीं चुनी जा सकी थी, लेकिन नाम वापस लेने के अंतिम दिन 5 पंचायतों में निर्विरोध चुने जाने के लिए सहमति बन गई। इनमें देवठी, मझगांव, टाली, भुज्जल, जुदौल, टपरोली, नहरपाव व डिम्बर पंचायतें शामिल। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट्स जो हमारे 2 तारीख तक जो नॉमिनेशन फाइल हुए थे, उसके बाद 4 तारीख को अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी की गई और आज 6 तारीख को जो पिक्चर है निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है उनकी जो स्थिति है वो नाम वापस लेने के बाद इस प्रकार है। सबसे पहले विकासखंड राजगढ़ में 5 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई, जिसमें प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर, ये सभी का जो चुनाव है निर्विरोध हुआ है। उसमें ग्राम पंचायत टाली भुजल, देवठी मझगांव, जदोल टपरोली, नेहर पाव और डिम्बर, इन सभी पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। मैं इन सभी पंचायतों के प्रबुद्ध नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अतिरिक्त नामांकन वापसी के बाद योद्धाओं की तस्वीर साफ हो गई है। खंड पंचरुकी के तहत 35 पंचायतों, 15 पंचायत समिति व 3 जिला परिषद की सीटों के लिए 986 योद्धा रण में है। 45,000 मतदाताओं में 1,047 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जबकि 61 योद्धा मैदान छोड़ गए। अब जिला परिषद के लिए 20 समिति सदस्य के लिए 77, प्रधान के लिए 196, उपप्रधान के लिए 202 व 491 लोग वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और अब प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्म दिवस पर जिला भाजपा ने मंडी की पधियू पंचायत के बनियूर गांव में एक अति निर्धन परिवार को शौचालय व स्नानागार बनाने के लिए 21,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इसके साथ ही भाजपा ने परिवार को घर का गुजारा चलाने के लिए अतिरिक्त राशन भी मुहैया करवाया। मंडी जिला भाजपा ने इस मौके पर कहा कि आने वाले पूरे सप्ताह भर मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे सप्ताह मंडी जिला के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को किया जाएगा। जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में आने वाले समय में और तेज गति से विकास करवाएंगे। मुख्यमंत्री आदर के योग्य ठाकुर जयराम जी को उनके जन्मदिवस पर पूरे देशवासियों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से और पार्टी की तरफ से उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं और वो इसी तरह हर साल हर बुलंदियों को छूते रहे, यही हमारी कामना है। इस सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसको मनाने का निर्णय लिया। उसमें जिला की तरफ से हमने एक छोटा सा अंश एक गरीब परिवार को एक छोटा सा 21,000 का चेक देकर हमने इनमें भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हमारा गरीब परिवार को किसी न किसी तरह हम आर्थिक सहायता जो हम बीजेपी की तरफ से हो सकती है वो हमने देने की कोशिश की है।